मैं भारतभूषण कपिला, प्रेसिडेंट न्यू एकता मार्केट शॉप के एसोसिएशन बड़ैल। कल एक व्यक्ति मेरे पास आता है और अपने आप को दैनिक सवेरा का रिपोर्टर होने का इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है मुझे अपने जो विचार हैं वो सीबीएम के बारे में, जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में बताइए। तो मैंने जो सच्चाई है वो अनिल वोरा जी जो सीबीएम के लिए, चंडीगढ़ व्यापार मंडल के लिए जो कार्य किए हैं, जो सराहनीय कार्य किए हैं, जो उनकी निष्ठा है चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रति और जो उन्होंने पद संभाले हैं उनके निष्ठा के प्रति जो भी है विचार अपने रखे और उनके बारे में कहा कि अनिल वोरा जी ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और शाम होते होते मुझे ये पता चला किसी साथी द्वारा कि आपका इंटरव्यू जो है अखबार में आज प्रकाश में आया है। मैं तो हैरान रह गया कि मैंने तो अर्थ प्रकाश को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो ये कैसे आ गया, मैंने तो दैनिक सवेरा का दिया था। और मुझे फिर सारी बात समझ में आई कि जो ओछे हाथ कंडे, जो ओछी राजनीति ये अखबार के द्वारा मिसयूज़ किया जा रहा है अर्थ प्रकाश द्वारा, वो मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। मैं अनिल वोरा जी के समर्थन में जो भी था अपने विचार व्यक्त किए थे, जो उनके कार्य किए थे उसके द्वारा मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे, अनिल वोरा जी के समर्थन में दिए थे, वो पूरा ही उलट छाप दिया गया। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ जो अर्थ प्रकाश में छापा गया है। मैं अनिल वोरा जी के समर्थन में शुरू से रहा हूँ, जब से मैं मेंबर बना हूँ, नया मेंबर बना हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, मैं उनकी नीतियों का समर्थन करता हूँ और अनिल वोरा जी को ही इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उपयुक्त मानता हूँ। मैं जो 17 तारीख को, 17 अप्रैल को महायज्ञ होने जा रहा है, मैं सभी मेंबर्स को ये अपील करता हूँ कि उसमें अपने वोट के रूप में आहुति डालें और अनिल वोरा जी को ही भारी मतों से जिता के ये चीज़ अपनी स्टैंप लगाएं।